15 अगस्त की आधी रात को जब देश जश्न में डूबकर आजादी का मुस्तकबिल तय कर रहा था, तब पिछले 3 दशकों से स्वाधीनता संघर्ष की नीति, नियति और नेतृत्व तय करने वाले महात्मा गांधी न सिर्फ जश्न स्थल से गैर मौजूद थे, बल्कि दिल्ली की सरहदों से मीलों दूर कलकत्ता के हैदरी महल में रुके हुए थे। हैदरी महल कोई आलिशान महल नहीं था जहां गांधी जी देश के लिए नीतियां बना रहे थे, बल्कि एक मुस्लिम बेवा का जीर्ण शीर्ण सा घर था जिसमें रुककर गांधी नफरत की ज्वाला बुझाने का प्रयास कर रहे थे। कलकत्ता में गांधी सफल साबित हुए, अमन का माहौल बनने लगा, महात्मा के आदर्श का असर सैन्य शक्ति से प्रभावकारी दिखा। तभी तो आखिरी वायसराय और देश के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने तार से बधाई भेजी और कहा, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं पर दंगे काबू में नहीं आ रहे हैं। वहीं बंगाल में हमारी सेना में केवल 1 सिपाही है और वहां पूरी तरीके से शांति व्याप्त है। देश के विभाजन के कारण देश में फैले दंगों को शांत करने में गांधी की भूमिका सबसे अहम रही है। अगस्त 1947 के कई माह पहले से लेकर जनवरी 1948 तक वे लगातार यात्रा में थे। इस यात्रा के दौरान जब एक प्रदर्शनकारी ने, जो कि 18 साल का एक युवक था, ने गांधी से कहा कि इतिहास बताता है कि हिंदू और मुसलमान कभी मित्र नहीं रह सकते, जब से मेरा जन्म हुआ मैंने उन्हें हमेशा लड़ते हुए ही पाया है, तो गांधी जी ने उत्तर दिया, मैंने जितना इतिहास को देखा और पढ़ा है उतना आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं कई ऐसे हिंदू लड़कों को जानता हूँ जो मुसलमानों को चाचा कहकर पुकारते हैं। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की तीज त्योहारों में और उत्सवों में भाग लिया करते हैं। आप मुझसे जबरदस्ती यह स्थान छोड़ने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने दबाव में आकर कभी कोई काम नहीं किया और यह मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। गांधी के इस उत्तर से आप समझ गए होंगे कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उनके मन में किस तरह की निष्ठा थी। जहां भी खुरेजी होती गांधी लोगों का दुख दर्द बांटने पहुंच जाते, प्रार्थना और संदेशों से नफरत की ज्वाला को बुझाने का प्रयास करते और भविष्य में अपनापन कायम रहे इसकी राह सुझाते। कट्टरता और पागलपन के मार्ग से दूर इंसानियत का पथ दिखाने में गांधी जी जीवन पर्यंत जुटे रहे। राष्ट्रवाद को लेकर गांधी ने एक बार कहा था, मैं राष्ट्रवादी हूँ लेकिन किसी को खुश करने के विचार से मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ, बल्कि इसलिए हूँ कि इसके अलावा मैं कुछ और हो ही नहीं सकता, और यदि मैं कायदे आजम जिन्ना के पास गया हूँ तो स्वयं अपने राष्ट्रवादी मुसलमानों और अन्य राष्ट्रवादियों के समान हितों की खातिर गया हूँ। यहाँ तक मैं जानता हूँ राष्ट्रवादी मुसलमान मेरे कायदे आजम से मिलने की बात पर प्रसन्न हुए थे और इस विश्वास के साथ एक उचित समाधान की अपेक्षा कर रहे थे कि वे जिन हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं मैं उन्हें बेचूंगा नहीं। बेशक एक राष्ट्रवादी मुसलमान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह उन मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी करता है जो राष्ट्र के अंग हैं। यदि यह मुसलमानों के हितों की बलि देता है तो वह विश्वासघात का दोषी होगा, लेकिन मेरे राष्ट्रवाद ने मुझे यह सिखाया है कि यदि मैं एक भी भारतीय के हित की बलि देता हूँ तो मैं विश्वासघात का दोषी होऊंगा। गांधी की यह बात आज भी भारत के मुसलमानों के लिए और हम सब के लिए बड़े काम की है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी हिंदू हित या मुस्लिम हित को परस्पर विरोधी बताने या सांप्रदायिक नजरिए से पेश करने से जिस हित की दूरगामी क्षति होती है वह भारतीय हित और मानवीय हित ही है। अब हमें यह चुनना है कि हम किस हित की राजनीति को फलने और फूलने का अवसर देते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इन प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे इन वीडियोस को लाइक भी करें।